थैंक यू मेहरा साहब, थैंक यू जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। अरे मैंने कहा ना थैंक यू वेरी मच। मेहरा साहब क्या हो गया आपको, कल से अभी तक मैं आठवीं बार आपने फोन किया हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए। अब क्या करूं डॉक्टर, मुझे भूलने की बीमारी है, बीमार हूं ना। अच्छा अच्छा बीमार है, भूलने की बीमारी है। मेरी नर्स को रोज रात को डिनर के लिए इनवाइट करना तो नहीं भूलते आप? आपकी हद करते हैं डॉक्टर राज भैया, इतने बीमार भी नहीं है, है? कल को आप कहेंगे कि सांस लेना क्यों नहीं भूलते। अरे शुभ शुभ बोलिए, मेहरा साहब मरे आपके दुश्मन, इतना मोटा आसामी है, इसी से तो मेरे किचन का खर्चा चलता है। खैर मेहरा साहब आपको मेरी तरफ से फिर एक बार नए साल की शुभेच्छाएं। नवी बार आपको भी हो डॉक्टर राज। थैंक यू वेरी मच मेहरा साहब। देखा यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों का, कोई भी त्योहार को ऐसा खींचते जैसे सोप ऑपरा। अगर शादी हुई तो 7 दिन तक शादी के जश्न चलते हैं। अब देखिए ना न्यू ईयर की पार्टी को 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक डेकोरेशन वही के वही है। लक्ष्मी क्या है भाई, वो डेकोरेटर आए तो उसे 500 रुपए दे, गायब। समझ गया, जरूर गुल्लू ने मेरे बटुए पे हाथ मारा है। देखो मेरे भाई पे गलत इल्जाम मत लगाया करो, तुम्हारे वॉलेट से मैं भी रुपए चुरा सकती हूँ। नहीं अगर तुमने चुराए होते ना तो ये चिल्लर पैसे भी नहीं बचते, ये जरूर गुल्लू का काम है। हो जाओ रेटी, जिससे मेरी शादी होगी। वो 4 दिन में जहर खा के मर जाएगी। सारा मजा किरकिरा कर दिया ना जीजा जी, एक कॉम्पिटिशन के लिए 90s के हिट गाने का लिस्ट बना रहा हूँ मैं। हिट गाने का लिस्ट बना रहा है या मुझे बेवकूफ बना रहा है? मेरे बटुए पे डाका क्यों मारा पहले ये बता। नहीं जीजा जी, इस साल मैंने कसम खाई है क्या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, इसलिए हाथ मारना पड़ा। दीदी के लिए वो गिफ्ट लाना था ना नए साल का। सच? क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए? लाने गया था, वही लाने गया था, लेकिन बाद में पता चला मेरे जेब में से किसी ने पैसे मार दिए। अच्छा जेब में से पैसे मार दिए, किसी ने तेरी जेब में हाथ डाला, तुझे पता तक नहीं चला? पता चला ना, क्यों नहीं पता चला? ऑफकोर्स पता चला। क्या हुआ? लेकिन मैं समझ रहा था वो हाथ मेरा ही था। राज तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाओगे? हरगिज नहीं। I'm sorry. बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? अब सोने के भाव तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज लाओ जिसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हो। बहुत सारे डायमंड्स लगे हो? ठीक है मैं तुम्हारे लिए ताश की एक गड्डी ले आता हूँ। क्या? अरे उसमें डायमंड का एस होता है, डायमंड का किंग होता है, डायमंड की क्वीन होती है, यहाँ तक के डायमंड का गुलाम भी होता है। राज लक्ष्मी कहाँ है तुम्हारा वो निकम्मा भाई गुल्लू? देखो उसे निकम्मा मत कहो। हाँ आज वो एक खास काम से गया है। खास काम से गया है? फिर तो काम से गया, लेकिन ये क्या खास काम है जरा मैं पूछ सकता हूँ? वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने गया है। क्या लक्ष्मी तुम भूल गई, गुल्लू का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1997 का लड़कियों से जूते खाने में, क्या अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेगा इस बार? जनाब वो साल और था, ये साल और है। कुल्लू के न्यू ईयर हॉरोस्कोप में शादी का योग है। हॉरोस्कोप पढ़ते ही कुल्लू चंदा के प्रेम में पागल हो गया। प्रेम में पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही पागल था। नीला दुपट्टा पीला सूट, चली कहाँ तू दिल को लूट, आ आ पास आ तू आ आ आना पास आना। आओ ना, क्या बात है? मुझे पप्पी चाहिए। हेलो दोना, दोना जवाब नहीं दे रही, भरी हो क्या? लेते क्यों नहीं, अपाइज हो क्या? मुझे शर्म आ रही है। तो आंखें बंद करके ले लो ना। हाँ ये ठीक रहेगा। आओ ना दे दो ना, आओ ना दे दो ना, दे दो ना, लगता है शर्मा रही है, मैं खुद ही लेता हूँ। आओ ना, तुम्हारे कपड़े इतने कड़क कैसे हो गए, कांजी में डाल के इस्त्री की थी क्या? तुम्हारे घुंघराले बाल कहाँ गए, बाल कहाँ गए, बाल बाल यहाँ गए, इतने कड़क हो गए, शैम्पू नहीं किया क्या? तुम्हारे आवाज को क्या हो गया? गले की कितनी फट गई है। फट गई है, मैं सिला देता हूँ।
मैं और ये मेरा डंडा, डंडा खाएगा? नहीं नहीं, आज इनका उपवास है। अच्छा, तो फिर गोली खा। देखो इंस्पेक्टर साहब, लगता है शहर में आप नए हैं, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम कौन है? मैं लवर हूँ, और सच्चे लवर को लव करने से इंस्पेक्टर क्या, इंस्पेक्टर का बाप भी नहीं रोक सकता। लड़की का बाप तो रोक सकता है? वो रोक सकता है, उसमें चंदा तो क्या, अगर शहर की किसी लड़की को नजर उठा के देखा तो मैं इनकाउंटर कर दूंगा। इनकाउंटर बोले तो तीन तक काउंट करने के बाद गोली चलाने को इनकाउंटर कहते हैं। अब मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तू बच गया तो ऊपर वाला मालिक। साल के दूसरे ही दिन उस इंस्पेक्टर के हाथों से इनकाउंटर होते होते मैं बच गया। जीजा जी के पर्स से सुबह सुबह पैसे चुराते हुए जीजा जी की शक्ल देखी थी ना, इसलिए पूरा दिन खराब हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा था किसी भी लड़की की ओर, शहर की किसी भी लड़की की ओर आग उठाकर मत देखना। मैं आग बंद करके चलता हूँ, क्या देखना ही नहीं लड़की को, मुझे नहीं चाहिए लड़की, लड़की देखना भी नहीं, अपने भिजो नहीं अपने लड़की। हाय हसन, मेरा नाम चांदनी है। अरे मेरे जिंदगी में अंधेरा है, मैं जा रहा हूँ। सुनिए तो, रुकिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की? अरे वाह, 97 का और एक हिट गाना, हिट हिट के चक्कर में पीट जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, 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 मैं तुम्हें जान नहीं दूंगी। इस साल के राशिफल में लिखा है कि इसी महीने में मेरी शादी का योग है। मेरे राशि में भी योग है शादी का, लेकिन नहीं। सुनो तो, और मैंने आज सुबह सुबह सपना भी देखा कि जो भी नौजवान इस रास्ते पर मुझसे टकराएगा ना, वो मेरा जीवन साथी होगा। अगर शहर की किसी से घर को भी नजर उठा देता तो मैं तेरा इनकाउंटर करूंगा, इनकाउंटर करूंगा, इनकाउंटर करूंगा। सुनो मेरी डायना हेडन, मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। भाग कर जाएगा कहाँ बच्चू, अगर 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच सकती है तो 1998 में ये चांदनी तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकती। Here I come, मिस्टर। बच गया। विचार नहीं छोड़ रही तो है क्या? यहाँ तक पहुंचे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरा हो गया इनकाउंटर, हो गया मेरा, वो इनकाउंटर हो गया। नहीं नहीं, क्या बात है, तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे तेरी बॉडी में से 440 वोल्ट का करंट निकल गया। बाहर देखो 880 का करंट है। क्या हमारी पुरानी नौकरानी पगार मांगने आई है? नहीं, नौकरानी मुझे मांगनी आई है। देखो देखो देखो, कोई भी तो नहीं है। अरे आप ही तो थी। अरे कोई भी तो नहीं है, डरा दिया गई। अच्छा हो गई। पोस्टमैन अंकल, ये घर किसका है? आप जानती नहीं? नहीं। डॉक्टर राज सेठी का घर है, बहुत भले आदमी है। डॉक्टर राज सेठी, मतलब जिससे मैं टकराई थी वो डॉक्टर था? तेरी तो किस्मत खुल गई चांदनी, चल घर जा। ना ना, अब तो तुम पहले बारात लेकर आओ, तभी डोली में बैठकर इस घर में घुसूंगी। लक्ष्मी में जा रहा हूँ। राज, एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर क्या मतलब? वो इंस्पेक्टर है ना, उसने गुल्लू को एनकाउंटर करने की धमकी दी है। क्या धमकी दी है? ओफ, वो एनकाउंटर किया क्यों नहीं, कम से कम मेरा नया साल तो संवर जाता है। ओह, वो गुल्लू, उसे प्यार करने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो आजकल की लड़कियां प्यार करने से पहले स्टेटस देखती है। स्टेटस? स्टेटस? हाँ, जैसे मुझे देख लो, अच्छा लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, फिर घर में गाड़ी है, इज्जत है, शोहरत है, बंगला है, आमदनी है। आमदनी ना सही, बाकी सब तो है। अगर लड़की को प्यार करना है तो मुझसे करेगी, गुल्लू से क्यों करेगी? कैसे करेगी, मैं मर गई हूँ क्या? हाय, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जीजा जी, आजकल लड़कियां
टर्म स्टेटस नहीं, दिल देखती है दिल, और दिल दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो आवारा भौरे, जरा हौले हौले गाना समझे। अगर दिल पागल होता ना तो कोई पागल लड़की तुझे से पागल से भी प्यार करने लग जाती। अरे लड़की मेरे प्यार में मेरे पीछे पीछे घर तक आती है, मगर आपके स्टेटस देखकर एक भी लड़की आपके ऊपर क्यों नहीं मरी? हाँ बोलो बोलो बोलो। वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं दी। अगर मैं जरा सी लिफ्ट दे दूं ना तो लड़की 20वीं मंजिल से लिफ्ट का इंतजार किए बगैर सीधा मेरी गोद में कूद जाए। और आप उसे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ा है। बोलो, तू मुझे ललकार रहा है, मैं लड़की पटा सकता हूँ। 5 करोड़ की लगी शर्त। लक्ष्मी तुम चश्मदीद गवाओ, इसमें शर्त लगाई है, देखना मैं लड़की पटा के रहूंगा। मैं जा रहा हूँ लड़की पटाने। मैं 500 रुपए जीत गया, ये क्या पटाएंगे? क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। ओहो क्या बात है, ये तो बताओ। पहला बख्शीश दीजिए। किस लिए? लव लेटर है। लव लेटर है? तुम्हें कैसे पता चला? कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा? हाँ ये तो इत्र की खुशबू है। ओहो जाओ जाओ। ऐसे खत तो मैं राज को भेजा करती थी, ये किसने भेजा? राज डियर, मेरे मोहब्बत की बियर। नशा कुछ इस कदर है कि तुम पास लगते हो, मुझसे जलने वालियों का सत्यानाश लगते हो। अरे सत्यानाशिनी तो तू लगती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हूँ। सुन रहा हूँ, आगे पढ़, आगे पढ़। बहुत जल्दी हमारी शादी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि हमें जुड़वा बच्चे हो, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। करवा चौथ मैं रखती हूँ और चुड़वे तुम्हें होंगे। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं लुट गया दीदी। गुल्लो मैं लुट गया। हाँ गुल्लो, मेरे 500 रुपए गए। कैसा ये प्यार है, अल्लाह अल्लाह। अरे गुल्लू, आज ये लड़की लव लेटर दे गई, कल दिल दे जाएगी, परसों इस पूरे घर का कब्जा कर जाएगी। हाय मैं क्या करूं? जीजा जी का हुक्का पानी बंद कर दो। लेकिन गुल्लू वो हुक्का तो पीते नहीं। तो खाना पीना बंद कर दो। हाँ गुड आइडिया। ले गई। गुल्लू वो सब छोड़ो यार, जल्दी से कुछ खाने पीने को, तो बड़ी भूख लगी है लक्ष्मी। खाना पीना बंद। क्यों? हम स्ट्राइक पे हैं। समझ गया, किसी ने ठीक ही कहा है कि खेत में नाला और घर में साला ना होना चाहिए, क्योंकि खेत का नाला पूरे खेत को सड़ाता है और घर का साला पूरे घर को सड़ाता है। नहीं ओ राज, मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। और तुम दोनों मिलके जो मेरी बेइज्जती कर रहा है उसका क्या? ये सब तुम्हारे करनी का फल है। वो तो मैं जानता हूँ, ये मेरी करनी और ये मेरी करनी का फल है। मैं नहीं जानती थी कि एक शर्त जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे। कौन कमबख्त गिरा है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तो ले गई। कौन है ये चुड़ैल जो दिल ले गई है? कौन चुड़ैल, किसकी बात कर रही हो तुम? अनजान मत बनो जीजा जी, उसका लव लेटर दीदी के हाथ पड़ चुका है। लव लेटर? ये अरुंधति राव को 97 का बुकर अवार्ड मिला, 98 का अवार्ड इस खत वाली को मिलेगा। अच्छा, इतना अच्छा लिखा था, देखो तो क्या लिखा। रहने दो, जब वो चुड़ैल मिलेगी तब वो सुना ही देगी ना। ओ, चलो एक अच्छा सा चेंज ओवर भी मिल जाएगा। अब तक डायन से सुना करता था, अब चुड़ैल से सुनूंगा। क्या सही है? तुम तो ठहरे परिदेसी, कितने पाओ खाओगे। क्या दिन आए, मैं अपने ही घर से बेघर हो गया। डॉक्टर होने के नाते लोगों को मशवरा देता था कि बाहर की चीजें मत खाओ, और आज खुद बाहर का वड़ा पाव खा रहा हूं। क्या आप रो रहे थे ना, मैंने देख लिया। रोनी तो क्या करूं, पता है मेरी बीवी ने कर्फ्यू लगा दिया, कबर्ड किचन सब बंद है। ये तो गनीमत है कि मैंने कपड़े पहने हुए थे, वरना अखबार लपेट के वड़ा पाव खाता हुआ दिखता है इस गार्डन में मैं। आप अपनी बीवी से परेशान है, मैं अपने प्रेमी से परेशान हूँ। कैसे कहे? जाओ जाओ। कितने अरमानों से खत लिखा था मैंने, तो खता हुई हमसे जो खत आना बंद है। क्या आप हमसे नाराज है या डाक खाना बंद है?
क्या यानी आपके खत के जवाब नहीं आ रहे इसलिए आप पछेमा है और मेरे घर खत आ रहे इसलिए मैं परेशान हूँ? क्यों, किसका खत आया था? अरे पता होता तो उसका टेंटवानी मसल देता मैं। पता नहीं मेरे खत का जवाब आएगा या नहीं। आएगा, रुको ना। खैर तुम्हारा तो मसला बड़ा आसान है, अगर तुम्हें खत का जवाब नहीं आता तो तुम उसे फोन कर दिया करो। अरे फोन नंबर नहीं दिया ना उसने। अगली वो तो डायरेक्टरी में होगा ना। अरे डायरेक्टरी में नंबर होगा यानी उसके घर में फोन होगा। हाँ, तो मतलब मैं घर में फोन करूंगी तो मेरी बात होगी उससे। हाँ, पीछे से मतलब तो मैं फोन हाँ, वो दोस्तों आई गॉट थैंक यू। अरे मतलब ना दुखते है मोला। राज का फोन होगा, मैं तो उसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम फोन उठाओ। मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने फोन क्यों किया होगा? भूख लगी होगी इसलिए फोन के ऊपर मनाना चाहते हैं। जाओ ना उठाओ ना। मैं और उनको जलाता हूँ। देखो जीजा जी, हमने पनीर कोफ्ता, पनीर पुलाव और गोभी के पराठे खाए हैं, हमको नींद आ रही है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। भैया आवाज भी वही है। हेलो डॉक्टर राज, मैं बोल रही हूँ, आपने मुझे पहचाना? कौन बोल रही है? वही आपके सपनों की रानी। मरे तेरी नानी। कौन बदतमीज बोल रहा है? बदतमीज नहीं, मैं गुल्लू शरीफ बोल रहा हूँ। देखो तुम गुल्लू हो या उल्लू, डॉक्टर राज को बुला, मैं नौकरों से बात नहीं करती। नौकर? तू भुतनी, तू चुड़ैल, तू सब कुछ है। भुतनी? देखो मुझे एक बार दुल्हन बनकर उस घर में तो आने दो, सबसे पहले घर से तुम्हें निकालूंगी मैं, स्टूपिड मैन। नो मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो गुल्लू, गुल्लू कौन था ये? वो नई दीदी का फोन था। नई दीदी? सोच रहा हूँ तुझे छोड़कर मैं उसे अपनी दीदी बना लूँ, नहीं तो मुझे घर से निकाल देगी ना। गुल्लू दल बदलो, तुझे शर्म नहीं आती? दल बदलने में क्या शर्म, और यहाँ वो सब छोड़ दो, नई मुसीबत का सामना कैसे करेंगे वो सोचो, तो हम गाते रहेंगे। कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, मर गया मरीज हम बुखार देखते रहे। क्या बात है गुल्लू, भी सीरियस। लक्ष्मी, गुल्लू, गुल्लू, गुल। ओहो गुल्लू के बच्चे। अरे मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? क्या इशारेबाजी? मुंह में दर्द हो रहा है, आंख रहा कर मैं बताता हूँ क्या। अरे इशारेबाजी क्या, लक्ष्मी कहाँ है यार? क्या वो हमारा घर छोड़ के मायके चली गई? गॉड यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट गॉड, यू आर टू गुड। दीदी मायके नहीं गई है तो अगर मुझे बुलवा दिया ना, सुबह से चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मेरा मौन रहता है, मेरा मौन रहता है, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। ओहो गुल्लू गुल्लू गुल्लू, मैं समझ सकता हूँ कि तेरा मौन व्रत है, लेकिन मौन व्रत पे इतना बड़ा लेक्चर देने की बजाय तू ये तो बता सकता था मुझे कि लक्ष्मी कहाँ है। दीदी मंदिर चली गई है। क्यों? अपने सुहाग की भीख मांगने की। क्या? अरे वो लक्ष्मी है, कोई सती सावित्री थोड़ी है, और फिर उसका सुहाग तो यार जीता जागता खड़ा है। पर हाँ, अगर यही रफ्तार से मुझे वड़ा पाव खाते रहना पड़ा तो एक दिन उसका सुहाग जरूर उजड़ जाएगा। दीदी मंदिर गई है और मैंने मौन व्रत रखा है इसलिए कि आप उस लड़की का पीछा छोड़। किस लड़की का पीछा छोड़ दो? वही जो कल चिट्ठी आई थी, फोन आया था, आज खुद आएगी। अरे तू यार पहले मत बुझा, वैसे ही मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहा है, कुछ खाने पीने को दे। जब तक तुम उस चुड़ैल का साथ नहीं छोड़ोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो, किस चुड़ैल की बात कर रही हो तुम? हेलो भाई डॉक्टर राज, मैं क्या, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपकी आवाज सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। भाई डॉक्टर साहब, मैंने फोन इसलिए किया कि क्या आज आप क्लिनिक आ सकते हैं? अरे जनाब, आपके लिए संडे के रोज तो क्या मैं मुंबई बंद के रोज भी क्लिनिक खोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि पता है घर में मुझे खाना तो मिलता नहीं है, बल्कि लोग मेरा भेजा खाते रहते हैं। उससे तो बेहतर ये होगा कि मैं आपके साथ चंद पल गुजारूं। ये बातें फोन पे नहीं, ऐसी बातों के लिए क्लिनिक से कोई अच्छी जगह नहीं है। हाँ वही मिलते हैं। ए, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे नया बीट गाना मिला। अरे गुल्लू, अभी वो भूख के मारे तड़प रहे थे, अचानक नाचते हुए कहाँ चले गए? प्यार में ऐसा ही होता है दीदी, बल्ले 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 बल्ले। Ha 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 ha!
कहाँ गए जीजा जी? मुझे लगता है ऐसे गए। नहीं नहीं इस तरफ गए यार। नहीं नहीं ऐसे गए होंगे। इस तरफ गए। ओहो गुल्लू ऐसे गए। मैं सच कह रहा हूँ इस तरफ गए। मैं अरे एक काम करते हैं। क्या क्या? हम हाथ पकड़ के चलते हैं। हाँ। अगर तुम रॉन्ग होगे तो मैं रोक लूंगी, अगर मैं गलत हूँ तो तुम रोक लेना। ओके, ओके? चलो। ओहो गुल्लू इस तरफ। मैं सच कह रहा हूँ इस तरफ। गुल्लू बात माना करो, इस तरफ। एक काम करते मैं इस तरफ जाता हूँ, तू इस तरफ जाना। ठीक है, है? तुम उसे रंगे हाथ पकड़ो या मैं हाथ रंग के पकड़ू, बात तो एक ही है ना। वीक नॉट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये राइट ये लेफ्ट। दीदी सच में दुनिया कितनी गोल है, घूम घूम के एक ही जगह पे मिल गए। हाँ। तुम आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे जीवन साथी। अरे मुझे नहीं बनना तुम्हारा जीवन साथी, वो इंस्पेक्टर हाथी है ना, मुझे गोली मार देगा। हाँ। तो मेरे लिए गोली भी नहीं खा सकते? गोली खाना क्या खाने का काम है क्या? तुमको खाना है तुम खा ले, एक तो दीदी की वजह से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ना यार। अरे तुम मुंबई कब आए? कुछ दिनों पहले पापा के यहाँ ट्रांसफर हो गया है ना। अच्छा तो यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने प्रेमी के पीछे यहाँ आई थी। और आप? मैं अपने पति के पीछे जा रही थी। हाँ? चलती हूँ। अच्छा। है? हाँ? मैं किस तरफ जा रही थी? आप ना? हाँ? उस तरफ। इस तरफ? नहीं नहीं उस तरफ। ढील है यार। मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया। कहाँ से आ रहे हो? वहीं जहाँ गया था। कहाँ गए थे? तुमने मुझे फोन पे कहते हुए सुना नहीं, क्लिनिक गया था। झूठ बोल रहे हैं। देखो राज, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति का बाहर ओवरटाइम बर्दाश्त कर सकूं। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? लक्ष्मी तुम मुझे गलत समझ रही हो। भगवान ही जानता है कौन गलत है कौन सच है। अबे ओ नारद मुनि, क्यों मेरे हरे भरे संसार में आग लगा रहे हैं? लक्ष्मी मेरा यकीन करो, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। हेलो डॉक्टर राज जी है? राज जी अब क्या कहोगे? क्यों किसका फोन है? तुम्हारे सपनों की रानी का। क्या बकवास कर रही हो? हेलो कौन? डॉक्टर राज जी? राज जी बोलो। माँ जी मैं राज जी। आपकी आवाज फोन पर कितनी अलग आती है। उसमें मेरा क्या कसूर है माँ जी? वैसे आप कौन है? मैं आपकी सपनों की रानी। माँ जी पिछले दो रात से तो मैं सोया ही नहीं, सपना कहाँ से देखूंगा माँ जी? ये बार बार आप मुझे माँ क्यों पुकार रहे हैं? देखिए माँ जी अगर आप मेरी उम्र की हैं तो मैं आपको बहन जी भी कह सकता हूँ। अरे आप मुझे माँ बहन क्यों कह रहे हैं? देखिए अगर आप उससे भी उम्र में छोटी हो तो मैं आपको बेटी भी कह सकता हूँ। बेटी? इतना बड़ा अपमान! ठहरो मैं अभी तुम्हारे घर पर आती हूँ। नहीं 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 ऐसा जुल्म मत करना। शट अप। अब क्या कहोगे? यही के ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमारे लॉयर अंकल हमेशा कहते थे क्या? अगर कानून तुम्हारे साथ हो तो कानून को हैमर करो। अरे लग रहा है। अगर सच्चाई तुम्हारे साथ हो तो सच्चाई को हैमर करो। और अगर अगर दोनों मेरे साथ ना हो तो टेबल पे हैमर करो। झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं लक्ष्मी मेरी बात सुनो। नहीं नहीं। अरे लक्ष्मी सुनो तो। जस्ट शट अप। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो? पटना। और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन तुम्हें रोकने की कोशिश कौन कमबख्त कर रहा है? हाँ। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। क्या? हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाते जाते अपने निकम में भाई गुल्लू को भी ले जाओ। नेचुरली मैं तुम जैसे दगाबाज के पास उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी रुक जाओ, पहले तुम्हारी गलती कबूल करो तभी रुकूंगी। ओहो मैं तो तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ ताकि तुम जाने से पहले अपनी सौतन के दर्शन कर सको। सोच लो राज, कहीं वो आखिरी दर्शन न हो। क्या क्या यानी उसके दर्शन करने के बाद तुम आत्महत्या भी कर लोगी? नहीं मैं उसकी हत्या कर लूंगी। लगता है गुल्लू आ गया तलाक के पेपर्स लेके। मैं अभी साइन कर देती हूँ ताकि तुम्हारी मनु शक्ल फिर से ना देखनी पड़े।
तुम ही हो सौतन। सौतन लक्ष्मी तुम अपनी बैग भूल गई, कमाल करती हो इतनी दूर। अरे अरे तुम और यहाँ? और यहाँ? अरे मेरा तो घर है, तुम क्या समझी मैं वाकड़े में रहता हूँ? अरे लेकिन ये तो मेरे प्रेमी राज का घर है। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, यही है मेरा अमीन तुम्हारा राज। क्या बात कर रहे, ये राज नहीं है। क्या बकवास कर रही हूँ, मैं राज ही तो हूँ। अरे आप वो राज नहीं हो। अरे वो राज को मैं नहीं आता हूँ, ये राज मैं ही हूँ। अरे मेरा मतलब आप मेरे प्रेमी राज नहीं हूँ। ऑफ कोर्स नहीं हूँ मैं। क्या कंफ्यूजन है? मतलब मैंने उसको इसी घर में घुसते हुए देखा ना। किसको? और पोस्टमैन अंकल ने कहा कि उसका नाम राज है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। भाई देखो बेबी, चक्कर ये है कि इस घर में मेरे अलावा एक और भी मर्द रहता है, गुल्लू। गुल्लू? गुल्लू आपका नौकर? करेक्ट। बड़ा बदतमीज है। बहुत बदतमीज है। वो नौकर नहीं है, मेरा भाई है। अनफॉर्चुनेटली जब से पटना से आया ना, इतनी घटना यहाँ घट रही कि मैं घुट रहा हूँ। तलाक के कागजात। थैंक यू। नहीं अरे रुक जाओ मेरे भाई। मेरे साले, इनकाउंटर में मारा जाऊंगा ना। अरे आज जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। वेरी गुड सॉन्ग। अरे तुम्हारे इस खेल के चक्कर में मेरी मांग उजड़ते उजड़ती रहेगी, पता है? मैं चली जाती तो तुम्हारा क्या होता? मेरा फायदा ही होता लक्ष्मी। क्या? मेरा मतलब है इस निकम्मे से पीछा तो छूटता। निकम्मा ही सही, मेरा भाई है और उस नए साल में उसे कम से कम एक लड़की तो मिल गई। नहीं, नहीं। हमें बहु पसंद है। नहीं, नहीं। मुझे भी पसंद है, आओ मेरे गले लग जाओ। नहीं। इनकाउंटर सिंह आप? मैंने आज तक बहुत सारे छाप मजनू का इनकाउंटर किया है। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना, फिर भी तू नहीं माना। क्यों मानेगा? हाँ क्यों मानेगा क्यों? क्या सारे दुनिया भर की लड़कियों का ठेका आपने ले रखा है? और फिर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना पाजी? काजी नहीं कर सकता, बाप तो कर सकता है। तो जब बाप आएगा ना तब हम उससे निपट लेंगे। जाइए आप। मैं उसका बाप है? और ये मेरी बड़ी लड़की है। अब तो मेरा काउंटर होके रहेगा। लक्ष्मी मेरी जान, मेरी लखते जिगर, अब तो तुम मुझे छोड़ के नहीं भागोगी ना? I'm sorry राज, मुझे माफ कर दो। कर दिया मेरी जान। बची लाखों लौट के बुद्धू घर को आए। कौन आए? कौन आए? फोन तो एक ही। अच्छा भाई डॉक्टर राज, सबको तो विश कर लिया था, बस आप ही रह गए थे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर।